अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान अली। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। हाउ टू क्रिएट परफेक्ट यूट्यूब चैनल प्रोफेशनली। आज की इस वीडियो में प्रॉपरली प्रोफेशनली बिल्कुल नया और फ्रेश चैनल बनाते हुए आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अपना कोई चैनल बनाया है और उस पर काम भी किया है लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिली, तो मेरा मशवरा है आप उसे भूल जाएँ और एक नया चैनल बनाएं, क्योंकि जितना वक्त आपको उसको रिकवर करने में लगेगा उससे पहले आप अपने नए चैनल को ग्रो कर पाएंगे। इसमें आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप में से काफ़ी लोग नहीं जानते। तो देर किस बात की, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और अल्लाह के बरकत नाम से काम को शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले आपने YouTube को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपने इधर आए ना, कोने पे आपको एक आइकन मिल जाएगा, ठीक है। आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने आ जाना है ऐड अकाउंट के अंदर, ठीक है। ऐड अकाउंट पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, ये लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने चले जाना है क्रिएट अकाउंट के अंदर, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने आ जाना है नीचे वाली ऑप्शन पे, आना टू मैनेज माय बिजनेस, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम ऐड करना है। मैं तो नाम ऐड करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद आपने इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने ऐड करनी है, ठीक है। मैं इधर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करता हूँ। उसके बाद आपने जेंडर में आना, इधर आपने अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल करना है, अगर मेल हैं तो मेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना नेक्स्ट। आपको आसानी से याद रह सके वो आपने आईडी लगा लेनी है, जीमेल आपने बना लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इधर पासवर्ड पुट करना है, जो आप पासवर्ड रखना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आपने पासवर्ड इधर ऐड करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, आपने करना है यस आई एम इन पे, ठीक है। तो ये हमारी जीमेल आईडी है वो जो कम्प्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आई एग्री करना है। ईमेल आईडी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने दोबारा फिर वही कोने पे क्लिक करना है, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने चले जाना है यूआर चैनल के अंदर, ठीक है। यूआर चैनल पे आपने क्लिक करना है, ये यूआर चैनल वाली ऑप्शन है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपने अगर अपने चैनल के लिए कोई पिक्चर वगैरह बना के रखी हुई है, लोगो बना के रखा हुआ, तो आपने इधर से पिक्चर ऐड कर देनी है, पिक्चर के अंदर जाके। उसके बाद आपने अपने चैनल का जो नाम रखना है वो आपने नाम में आके, नेम में आके आपने वो अपना नाम रख देना, ठीक है। तो मैं अरसलान भाई इसका नेम रखता हूँ। उसके बाद आपने कर देना सेव करना है, ठीक है। तो ये हमारा चैनल, उसके बाद आपने चले जाना है क्रिएट चैनल के अंदर। तो ये देखें, ये हमारा चैनल क्रिएट हो गया, लेकिन अभी इसकी बहुत ज़्यादा सेटिंग रहती हैं जो हम करते हैं अभी। ये हमारा चैनल क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने गूगल क्रोम में ydstudio.com आपने सर्च करना है, ठीक है। तो सबसे पहली वेबसाइट है जो आपने वो ओपन कर लेनी है, ठीक है। ये वेबसाइट मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे कोने में, ठीक है, इधर आपको सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, इसे जूम करके चाहे जैसे मर्जी कर लें। तो उसके बाद आपने चले जाना चैनल के अंदर, इधर आपको चैनल की ऑप्शन मिल जाएगी, आपने चैनल के ऑप्शन पे आना है। उसके बाद इधर आपने सबसे पहले बेसिक इन्फो में आना है, आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, आप जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद आपने इधर अपने चैनल के हवाले से टैग लगाने हैं, ठीक है। कीवर्ड के अंदर आपने इधर टैग लगाने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना एडवांस सेटिंग के अंदर। तो आपने स्क्रॉल करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी मेड फॉर किड्स, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं आपकी, आपके चैनल में बच्चों की वीडियो होगी, तो भाई मेरे चैनल में बच्चों का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं कर दूंगा नो सर दिस चैनल। अगर आप अपने चैनल में बच्चों की वीडियो करना चाहते हैं तो आप आई वांट टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नो सर दिस चैनल पर कर देंगे, ठीक है। ठीक है जी, ये हमारी सेटिंग होगी। उसके बाद आप आ जाना फीचर एलिजिबिलिटी के अंदर, आपने आ जाना, ठीक है।
तो इधर आपको बहुत बेसिक ऑप्शन मिलेंगी, दो ऑप्शन। सब दूसरा नंबर पहली ऑप्शन इनेबल होगी, तो दूसरे ऑप्शन में आपकी जो इनेबल नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इस पे सिंपली क्लिक करना है, ये तीर के निशान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे इधर आपको एक वेरीफाई फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है और आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करा लेना है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा आपको ये होगा, अगर आप अपना कोई कस्टम थंबनेल बनाते हैं, या आप लाइव आना चाहते हैं, या आप कोई भी मतलब के काम करना चाहते हैं, उसके बाद आप 15 मिनट से ज़ायद वीडियो जो होती हैं लॉन्ग वीडियो, वो अपलोड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की चैनल की सेटिंग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।